नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ साई मंदिर में। गुरु पूर्णिमा आने को है, यहाँ पर तैयारियां जोरों से हैं। क्या है तैयारियां, इस बार क्या है खास, आज बात इसको लेकर। हमारे साथ साई सेवा संस्थान के मेन पुजारी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार रथ यात्रा जब निकाली जाएगी तो किस तरीके से होगी, किस तरीके से शोभा यात्रा आप निकालेंगे। हमारी शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकलेगी। भव्य शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है और कलकत्ता से कारीगर लोग द्वारा उस शोभा यात्रा को सजाया जाएगा और भव्य मतलब भव्य सुंदरता देते हुए उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बाबा की जो काकर आरती का वर्णन किया गया है, काकर आरती का मतलब होता है बाबा को सुबह सुबह जगाना, और सुबह जगाने के बाद बाबा को जो है मंगल, उसके बाद जो है जब बाबा, आप यहाँ के मेन पुजारी हैं, आपने भी कंकड़ आरती का जिक्र किया। जी, कांकड़ आरती का जिक्र किया, ये रीवा शहर के लोगों के लिए, हालांकि उनने आरती बहुत बार देखी होगी, लेकिन ये नाम थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कांकड़ आरती जो है बाबा की प्रातः कालीन जो है बाबा को उठाने का कार्यक्रम होता है, इस आरती का नाम है कांकड़ आरती। महाराष्ट्र में इस आरती को कांकड़ आरती कहते हैं, अपने यहाँ हिंदी में बोलते सुबह सुबह किसी को उठाना, जगाने का मतलब होता है। इसके बाद जो है बाबा को जगाया जाता है, बाबा शयन से उठते हैं, शयन से उठने के बाद जो है फिर इसके बाद जब आरती पूर्ण खत्म हो जाती है उसके बाद बाबा का मंगल स्नान होता है। लोग आह्वान करते हैं कि बाबा उठो, नींद से जागो, अब आपका स्नान करने का समय आ गया है, इसलिए फिर बाबा उठ जाते हैं और इसके उठने के बाद जो है मंगल स्नान की बारी आती है। मंगल स्नान में प्रातःकालीन जो है बाबा को जो है दूध दही शहद घी पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद पुनः सादा जल से स्नान कराने के बाद जो है बाबा को नए वस्त्र धारण कराया जाता है। इसके बाद जो है जब कार्यक्रम इसका खत्म हो जाता है, इसके बाद भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आरती होती है, आरती होने के बाद 6 बजे प्रातःकालीन आरती होगी और पुनः फिर इसके बाद 8 बजे बाबा को हम लोग क्या है कि भगवान स्वरूप ना मान के गुरु स्वरूप मानते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के चरण की वंदना की जाती है। हम सभी लोग और जितने भक्त लोग हैं बाबा के, वो बाबा के चरण की पूजा करते हैं, बाबा के चरण की पूजा करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बाबा के चरण, हम उनको गुरु मानते हैं। गुरु पूर्णिमा आने को है, तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई हैं, अब रूट भी डिसाइड हो गया है। इस बार क्या है शोभा यात्रा में खास? शोभा यात्रा में कड़ा भीम करके एक विस्फोटक पदार्थ रहता है, उसको यात्रा में चलाया जाता है। ये महाकाल था, ये उज्जैन में इसको शुरू किया गया था, उसी को हम लोग भी रीवा में जैसे राजा महाराजाओं की सलामी दी जाती है तोहफों की, उसी प्रकार इस प्रकार को एक तोहफों की सलामी जैसे हम लोग भी बाबा को जब यात्रा यहाँ से निकलेंगे तो जगह जगह चौराहे पर सब जगह यात्रा में उसको दिया जाए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से एक नई चीज, जो अब लोग उज्जैन नहीं जा पाए, रीवा के वो लोग जो आज तक उज्जैन नहीं जा पाए, यहाँ देखेंगे किस तरीके से महाकाल की नगरी में बाबा को जगाया जाता है, लोग वहां पर किस तरीके से शोभा यात्रा में निकलते हैं, उसका एक नजारा यहां पर भी नजर आने वाला है। तैयारियां मुकम्मल है, गुरु पूर्णिमा आने को है, किस तरीके से आप लोगों ने खाका खींचा है, जरा विस्तार से समझाइए। सबसे पहले तो हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हमारी जो शोभा यात्रा निकल रही है, वो जैसे हमारे जो शोभा यात्रा के मार्ग हैं वो पूरे डिसाइड हो चुके हैं। हमने पुलिस प्रशासन, नगर निगम इत्यादि से भी पूरा सहयोग देने की अपील की है। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो आम नागरिक हैं शहर के, उन्हें इस शोभा यात्रा से किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, क्योंकि हमारी शोभा यात्रा में लगभग लगभग 7-8 बड़ी बड़ी झांकियां हैं। मैं आपसे ये जानने समझने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे ये समझने आया हूं गुरु पूर्णिमा, जरा गुरु पूर्णिमा के बारे में समझाइए। देखिए, गुरु पूर्णिमा जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसे गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है, और ये कहा गया है कि इसी दिन महर्षि व्यास का प्रादुर्भाव हुआ था। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे जो भी गुरु होते हैं या जिन्हें भी हम गुरु के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना, उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देने का विधान इस गुरु पूर्णिमा के अंतर्गत होता है। जैसा कि आपने गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया, यहाँ पर
मुकम्मल तैयारियां भी हैं, आप लोगों ने इंतजाम कर लिए हैं, पिछले 20 साल से मुकम्मल ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। उसके बाद यहाँ पर भव्य आरती भी होती है, रूट पे लगातार शोभा यात्रा के दौरान प्रसाद और तमाम तरीके की तैयारियां भी आपके यहाँ की, और कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? हमारा जो गुरु पूर्णिमा में ये जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य, चलिए ठीक है कि एक गुरु पूर्णिमा है और मंदिर से संबंधित है, लेकिन एक उद्देश्य और भी है कि हमारी जो ये युवा पीढ़ी है वो हमारे इन कार्यक्रमों को जाने, हमारी इन परंपराओं को समझे, ताकि आगे निर्वहन उन्हीं लोगों को करना है, आगे हमारी इन चीजों को वो बढ़ाते रहें और हमारी सनातन धर्म की परंपराओं को समझते हुए और उन्हें आत्मसात करें, हमारा एक उद्देश्य। गुरु पूर्णिमा का एक मतलब ये भी है कि जो हमने किया वो आज की युवा पीढ़ी देखे, उसको समझे कि किस तरीके से यहाँ पर एक मेरा, क्योंकि आप यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, तो ये सजावट होती है इस किस तरीके की, कहाँ से कारीगर बुलाते हैं? ये कलाकारी लोग ये आते हैं, अपने कलकत्ता से आते हैं, 2-3-4 साल से हम लोग कलकत्ता से बुला के उनसे कार्यक्रम पूरा रूपरेखा। अनोखी तैयारी पूरी है, हमने यहाँ पर तैयारी कर रखी है, बाहर से कारीगर आए हैं जो मंदिर को सजाएंगे, शोभा यात्रा निकालने का रूट बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, रास्ते में प्रसाद वितरण का भी काम बखूबी अंजाम दिया जाएगा। शोभा यात्रा यही मंदिर परिसर से निकलेगी, शहर भ्रमण के बाद वापस यहीं पर खत्म होगी। जो आप अपने स्क्रीन पर जिन लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से तैयारी को मुकम्मल कर दिया है, बस अब इंतजार है गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को याद करने के लिए। हमारी टीम भी उस दौरान यहां पर मौजूद रहेगी, जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएगी हम उसको भी लेकर आप तक आने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।